दो तीन दिन लेके जाएंगे वाणी ग्रैंड मास्टर कोर्स से। सर मैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ एंड यू नो ऑक्सफोर्ड यूनियन जहाँ पे हम बैठे हैं दिस इज 5 मिनट्स फ्रॉम क्राइस्ट चर्च कॉलेज, 5 मिनट्स वॉक लिटरली टू क्राइस्ट चर्च कॉलेज जहाँ पे हमारे आप कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो मोहतरमा साहिबा के जो है उनके साहिबजादे जो है वो वहाँ पे बैठे हैं बिलावल भुट्टो। आई वॉन्ट टू आस्क द ऑडियंस फर्स्ट के ये पाकिस्तान यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम बार बार लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ही इज प्रेजुमेबली गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान, उसने यहाँ पे क्या शिरकत किया? दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही हैज नेवर बीन स्टूडेंट हियर इन ऑक्सफोर्ड यूनियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही हैज नेवर कम टू एनी पाक सोसाइटी इवेंट, ही हैज नेवर कम टू एनी इस्लामिक सोसाइटी इवेंट, ही हैज नेवर शोन हिज फेस इन एनी साथ सोसाइटी इवेंट। हमें शायद गलती से हम कहते हैं कि हमें ईद की नमाज भी या ईद के डिनर में हमारे साथ कहीं हमें गलती सी मिल है, अगर आप यहाँ पे किसी गौरव को पूछिए तो ही विल नॉट नो कि बिलावल कौन है, ही इज नोन बाय बिल। व्हाट इज दिस बिल थिंग व्हिच यू जस्ट सेड? बिल इज ए गोरा नाम जो अब्रीविएशन बनती है विलियम की। तो मेरा सवाल ये आता है कि जब बिल साहब ने आज से 5-10 साल बाद देहातों में जाके वोट्स लेने जा रहे हैं उनको यकीन वोट्स मिलेंगे, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, लीडरशिप का प्रॉब्लम है, यही बनना है जिन्होंने आपकी नेक्स्ट हार्डर पॉलिसी करानी है, नॉट अस। And he is completely missing from this platform. That's the problem. आज ये है कि मुझे ये मालूम है कि उनको इनवाइट किया गया इस फंक्शन में, बिलावल साहब जो है वो पाकिस्तान की उस पार्टी के चेयरमैन ही और इंशाल्लाह रहेंगे और वो कल हमारे लीडर भी बनेंगे, और आपकी आपकी जितने मासूम कहते हैं तकरीबन 200-300 स्टूडेंट्स इधर बैठे हैं, ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप पाकिस्तान के पेपर रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात यह की यहाँ 17 करोड़ अवाम फैसला करेगी पाकिस्तान की लीडरशिप का, मतलब 2-4-600 बंदा जो फैसला नहीं कर रहा लीडरशिप साहब यहाँ पर नहीं आए और उनको इन्वाइट करके मैं शुरू करूँगी।